हाँ जी, ड्रॉपिंग अ टेबल स्पेस। अगर कभी आपको टेबल स्पेस ड्रॉप करनी पड़ जाए, एक चीज याद रखिएगा, टेबल स्पेस ड्रॉप करने की कमांड इज अ DDL कमांड। वंस आपने लिख दिया ड्रॉप टेबल स्पेस नेम, तो गया सारा डेटा, ईच एंड एवरीथिंग। दोबारा ये ऑपरेशन रीस्टोर नहीं हो सकता, ठीक है? इसकी किसी किस्म की कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है। वो फ्लैश बैक रिकवरी आप पढ़ेंगे या इनकम्प्लीट रिकवरी पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वाइट डेंजरस कमांड। ये कमांड बाद का देनी पड़ती है आपको, अगर पुरानी टेबल स्पेसेस जो भी हैं आपने उनसे डेटा मूव कर लिया है ना, अब आप चाहते हैं कि डेटा मूव करने के बाद वो ड्रॉप हो जाए, सो यूज दिस वन कमांड। अगर आपने एक कमांड दी लाइक ड्रॉप टेबल स्पेस का नेम, तो ये भी हो सकता है कि कमांड ना चले। शायद ये जब तक के, अगर आप यूं लिखते हैं ड्रॉप टेबल स्पेस लाइक एप्स डेटा, तो ये कमांड क्या करेगी? सिंपल कंट्रोल फाइल को अपडेट कर देगी, कंट्रोल फाइल में से इस टेबल स्पेस की एंट्री रिमूव कर देगी। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे इसकी डेटा फाइल्स एज इट इज रहेंगी, लेकिन उसे ओरेकल अपनी वैलिड डेटा फाइल कंसीडर नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कमांड डेटा फाइल भी रिमूव कर दे, तो इंक्लूडिंग डेटा फाइल्स आपको साथ लिखना पड़ेगा। क्रॉस रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं। इस टेबल स्पेस में चंद एक टेबल्स थे जो किसी और टेबल स्पेस के टेबल्स के साथ एज अ प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप लगा हुआ है, तो कैस्केड कॉन्स्टेंट्स भी साथ आपको कीवर्ड एड अप करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ड्रॉप नहीं होगा। इट्स अ DDL कमांड। सो एक भी ट्रांजैक्शन किसी भी टेबल के ऊपर अगर हुई, बिगिन हुई, तो ये कमांड नहीं चलेगी। इसके लिए हाईली रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप अपनी टेबल स्पेस को रीड ऑनली करें। नंबर वन, रीड राइट से रीड ऑनली करें। नंबर टू, फिर इसे ऑफलाइन करें, लाइक ऑफलाइन नॉर्मल इमीडिएट या जो भी अभी आपने पढ़ा, और फिर इसे ड्रॉप करें। ऑफलाइन इज समथिंग एल्स। ऑफलाइन का मतलब होता है आप ड्रॉप नहीं कर रहे, आप रिकवर करके दोबारा ऑनलाइन कर देंगे। ड्रॉप इज समथिंग एल्स एंड रीड ऑनली बाय डिफॉल्ट रीड राइट होता है, ठीक है? रीड ऑनली कर देंगे तो उसके ऊपर कोई DML नहीं हो सकेगी डेटा के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप पहले रीड ऑनली करें, फिर ऑफलाइन करें, फिर ड्रॉप करें। या अगर पार्टीशनिंग हुई भी है तो एक एक्सचेंज, पार्टीशन एक्सचेंज की ऑप्शन होती है। अदरवाइज आप अगर एक बार आपने ड्रॉप की कमांड लिख दी, OLTP डेटाबेस है जिसके ऊपर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन हैं, तो कोई पता नहीं, शायद आज आप कमांड दे रहे हैं, हफ्ते बाद जाके चले, ठीक है? जब सारी ट्रांजेक्शन आपकी वॉश आउट हो गई हैं, या 72 आवर्स ले ले, या फिर आप पार्टीशन एक्सचेंज कर लें। पार्टीशनिंग में आप पढ़ेंगे देर इज अ क्वाइट गुड ऑप्शन टू एक्सचेंज अ पार्टीशन। जितनी भी टेबल स्पेस में पार्टीशन पड़ी हैं सबको एक्सचेंज करवा लें नई पार्टीशन के साथ, और ड्रॉप की कमांड इमीडिएट चल जाएगी, ठीक है? इसके लिए आपको लिटिल बिट वन R&D करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो खाली एक ड्रॉप का ऑपरेशन जो है ना, वो आपके पास ऑपरेशनल डेटाबेस प्रोडक्शन में शेयर बन के बैठ जाएगा, वो नहीं होने वाला ड्रॉप। OMF ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स अनदर वन ऑप्शन। जब आपके पास डेटाबेस में बहुत ज्यादा टेबल स्पेसेस हो जाएं, तो फिर हर एक टेबल स्पेस का नाम, उसकी कितनी डेटा फाइल्स हैं, से अगर आपके पास 500 टेबल स्पेसेस हों और एवरेज एक टेबल स्पेस के अंदर 50 डेटा फाइल्स हों, और मैं आपसे कहूं कि जी इसको मैनेज कर दें, तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। सो देन यूज OMF ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स। ओरेकल मैनेज फाइल ये होता है कि आपने P फाइल में एक पैरामीटर डालना होता है, DB क्रिएट फाइल डेस्ट। इसको एक पाथ लाइक U01 एप डेटा, तो आपकी जितनी भी डेटा फाइल्स और टेम्परेरी टेबल स्पेस की टेम्प फाइल्स, वो ऑटोमेटिकली इस लोकेशन में ले जाएगा, ठीक है? फाइल का नाम भी वो खुद रखता है, साइज भी वो खुद डिसाइड करता है। जब आप टेबल स्पेस बनाते हैं तो आपको सिंपल इतना सिंटेक्स लिखना पड़ता है, क्रिएट टेबल स्पेस का नेम। उसे खुद पता होता है कि मुझे ये डेटा फाइल इधर बनानी है, एक डेटा फाइल बनानी है, इनिशियली 100 MB की बनानी है, उसका ऑटो एक्सटेंड क्लॉज ऑन होगा अनलिमिटेड ऑप्शन के साथ, मैक्स साइज अनलिमिटेड। नंबर टू, आपकी रीडू लॉग फाइल्स और कंट्रोल फाइल्स किधर आए, उसके लिए सेकंड पैरामीटर है DB क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट, और डेस्ट के बाद एन। एन का मतलब है कि 1 से लेके ये पैरामीटर 6 अप टू 3, 4, 5, 6, आप 6 बार ये पैरामीटर अपनी पी फाइल में लिख सकते हैं।
हर एक के आगे पाथ मुख्तलिफ होगा. यू जीरो वन ऐप लाइक पाथ वन, पाथ टू थ्री फोर फाइव, छह कंट्रोल फाइल की मल्टीप्लेक्स कॉपीज और हर एक रीडू लॉग फाइल की मल्टीप्लेक्स कॉपीज इन छह डिफरेंट लोकेशंस पे कीप की जाएंगी. जितनी बार पैरामीटर लिख देंगे उतनी रिडंडेंट कॉपीज. अगर मैं तीन बार लिखता हूं पैरामीटर, डीबी क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट वन, लॉग डेस्ट टू, लॉग डेस्ट थ्री, और तीनों में तीन डिफरेंट पाथ देता हूं, तो कंट्रोल फाइल की भी तीन कॉपीज इन लोकेशन पे बन जाएंगी. हर एक रीडू लॉग ग्रुप के भी तीन तीन फाइल्स बन जाएंगी. अगर दो बार लिखते हैं तो सिर्फ दो रिडंडेंट बनेंगी, एक बार लिखेंगे तो सिर्फ एक एक फाइल बनेगी. कम से कम आपको पता है कंट्रोल फाइल की तीन बार मल्टीप्लेक्सिंग करनी होती है. हर एक रीडू लॉग ग्रुप में कम से कम दो दो मेंबर, दो दो फाइल्स होती हैं, एक ओरिजिनल एक उसकी बैकअप. हाँ जी, ये ऑटोमेटिक अपने पास मिरर्ड रखता है. देन डीबी रिकवरी फाइल टेस्ट, फ्लैश रिकवरी एरिया का पाथ. आपको पता है वो बाय डिफॉल्ट ओरेकल बेस के अंदर फ्लैश रिकवरी एरिया है. हाउ टू एनलार्ज अ डेटाबेस, इट्स क्वाइट इजी. आप एक नई टेबल स्पेस बना लें अगर पुरानी तमाम टेबल स्पेसेस भर गई हैं, या फिर एग्जिस्टिंग टेबल स्पेस में एक नई डेटा फाइल एडअप कर दें, ये भी कर सकते हैं, या फाइल को रीसाइज करके उसका साइज पहले से ज्यादा कर दें, या ऑटो एक्सटेंड क्लॉज ऑन कर दें कि पहले भाई 50 मेगाबाइट भर जाए तो 55 हो जाए, फिर 60 हो जाए, फिर 70, 80, 90 एंड सो ऑन. तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं. प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स में ऐसा नहीं किया जाता कि अगर एक साल में आपको पता है कि जी 5 टेराबाइट का डेटा हो जाता है तो आज 1 जनवरी है लाइक 2010 से, तो आप कहें जी 1 जनवरी को ही तमाम फाइल्स का टोटल साइज 5 टेराबाइट इंक्रीज कर दें, ऐसा नहीं होता. उसकी रीजन ये होती है कि फिर इसका बैकअप लेना मसला हो जाएगा, फिर उसकी प्रोडक्शन क्लोन्स बनाना. अगर साइज इसका आप अभी से इतना कर देते हैं तो जितनी भी क्लोन्ड कॉपीज होंगी उनका साइज भी उतना होगा. सो डेफिनेटली ये होता है कि आपको साइज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो थ्रेशहोल्ड्स हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास, देखिए थ्रेशहोल्ड्स ये होते हैं कि जब भी कोई टेबल स्पेस आप बनाते हैं तो टेबल स्पेस नीचे अपना थ्रेशहोल्ड लिमिट बता रही होती है. जैसे ये एप्स डेटा है, एप्स डेटा अलर्ट थ्रो करेगी कब, जब ये 85% भर जाएगी वार्निंग का, और जब 97% भर जाएगी तो क्रिटिकल का अलर्ट थ्रो करेगी. दो पॉलिसीज हैं, परसेंटेज स्पेस यूज्ड या स्पेस फ्री, दोनों में से किसी एक के ऊपर, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, दोनों में से कोई एक यूज हो सकती है. या तो आप स्पेस भरने पे डिसाइड कर लें या फ्री स्पेस पे डिसाइड कर लें कि जी जब 10% फ्री स्पेस रह जाए तो क्रिटिकल का एरर थ्रो कर दे वो आपको कि जी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, आपके पास स्पेस कम है और डेटा स्पीडिली इंसर्ट हो रहा है, ताकि इससे पहले कि आपका कोई ऑपरेशन हैंग हो आप इसको रीसाइज कर लें. अनदर क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज टू यूज एएसएम, ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट. ऐसा करते हैं यार, राइट नाउ इट्स अ मगरिब प्रेयर टाइम, सो टेक अ 10 मिनट नमाज ब्रेक एंड आफ्टर दैट एएसएम को डिस्कस करते हैं.